कौन है लफंडर, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अब तो बताइए कौन है वो नेता कांग्रेस के अंदर जिनको आपके वेशभूषा से दिक्कत है, हिंदू धर्म से दिक्कत है? अब सवाल इस बात का है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। शुरुआत किसने की? अगर आप कांग्रेस पार्टी ने आप पर कार्रवाई कर दी तो आप क्या करेंगे? मैं राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा। जितना आप साइडलाइन हो गए उतना ही आप ज्यादा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, मानक जी कितना कुछ दिया कांग्रेस पार्टी ने आपको? प्रियंका गांधी को कोई मुझसे शिकायत थोड़ी है? क्या तुम्हें फोन किया प्रियंका जी ने कि मुझे आचार्य जी से शिकायत है? कांग्रेस पार्टी में चुनाव कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा, इसका फैसला वो लोग करते हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते। मैं पूरी जिंदगी चपरासी बनने को तैयार हूँ, सिपाही बनने को तैयार हूँ, कार्यकर्ता रहने को तैयार हूँ। मैंने अगर ये कहा कि भाई प्रियंका जी को चेहरा बनाओ, क्या राम का नाम लेना भाजपा में जाना है? इंडिया गठबंधन नहीं, गठबंधन क्या जमीर को खत्म करके करेंगे? ऐसी राजनीति, ऐसी सत्ता का क्या करेंगे? ठोकर पे मारनी चाहिए ऐसी सत्ता। क्यों आप चुनाव भी लड़ते हैं फिर राजनीति भी करते हैं? बाबाओं का राजनीति में आना सही है क्या? बाबाओं को एक गठरी में बांध के समंदर में फेंक दो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बाबाओं से? मतलब आप वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ उतरने को तैयार है कांग्रेस पार्टी कहे तो? देखिए दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, वक्त सिकंदर होता है। हिंदुओं से चिढ़ने वाली पार्टी कौन सी है? आपके तिलक और कपड़ों से सबसे ज्यादा कौन चिढ़ता है? चांडाल चौकड़ी। चांडाल चौकड़ी। देश की सबसे बड़ी मुस्लिम समर्थक पार्टी कौन सी? नहीं नहीं, वामपंथी पार्टियों ने अपने कुछ जो चेले चपाटे हैं वो सारी पार्टियों में भेज दिए, हमारी पार्टी में ज्यादा आ गए। देश का सबसे बड़ा हिंदू नेता आज कौन है? मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे पीएम के तौर पर? राम मंदिर बनवाने का अयोध्या में श्रेय किसे मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बेहतर प्रधानमंत्री कौन साबित होगा? रणदीप सुरजेवाला। इतने खतरनाक सवाल और सीधे अटैक करने वाले, मुझे आज तक मुझे नहीं लगता कि मुझ पर किसी ने इतने सवाल किए हों। ओके, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज चाय वाला इंटरव्यू कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम का। बहुत स्वागत आचार्य प्रमोद कृष्णम। धन्यवाद। आचार्य जी को आप टीवी पर कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए देखा होगा आपने, कई बार कांग्रेस के विरोध में भी बोलते हुए देखा होगा, लेकिन आचार्य जी की दो तीन और खास बातें हैं आप जानते ही होंगे। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम, दो दो बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के टिकट पर, और दूसरा चुनाव तो यादगार था 2019 में, 2 लाख से ज्यादा वोट राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ में हासिल कर लिए थे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। आचार्य जी बहुत स्वागत आपका चाय वाला इंटरव्यू में। थैंक यू। चाय पीते हैं ना आप? आप पिलाएंगे तो पियेंगे? हाँ तो पीजिए और तैयार हो जाइए, बहुत तीखे सवाल आने वाले हैं आचार्य जी। शुरुआत यहीं से कर रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं से आप सोशल मीडिया पर कुछ महीनों से देख रहा हूं मैं, आप लगातार भिड़े हुए हैं। कभी आपने जयराम रमेश को कुछ कह दिया, अब तो बात लफंडर तक आ गई। कौन है लफंडर, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? मानक जी, पहली बात तो लफंडर बड़ा प्यार का शब्द है, दुश्मनों के लिए यह शब्द यूज नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल किसी भी नेता से नहीं भिड़ा। कुछ नेता ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत इसलिए करते हैं कि मैं एक हिंदू धर्माचार्य हूँ। मैं सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का नेता ही नहीं हूँ, मैं एक धर्म गुरु भी हूँ। मैं श्री कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर की सेवा में भी हूँ, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें ये वेश सूट नहीं करता जो आपने पहना है, जिन्हें ये चोला सूट नहीं करता, जिन्हें मेरा तिलक सूट नहीं करता, जिन्हें मेरी संस्कृत के श्लोक सूट नहीं करते, जिन्हें गाय गंगा गीता गायत्री की जब बात की जाए तो वो सूट नहीं करती, राम की बात की जाए सूट नहीं करती, अयोध्या का नाम लेना उन्हें सूट नहीं करता। कुछ नेता हैं, मैं इन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नाम लीजिए। और मानक जी, मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। जानते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है जो एंटोनी साहब की कमेटी की रिपोर्ट में था। एके एंटोनी साहब की जब कमेटी बनी
उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और उन्होंने ये रिपोर्ट सोनिया जी को दी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी की छवि ऐसी बनती जा रही है जैसे ये हिंदू विरोधी पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है। और एंटोनी साहब ने इस बात को जब कहा तो उस पर गंभीरता से विचार करने की बात आई थी, लेकिन अफसोस बीजेपी जो चाहती है, बीजेपी यही चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए, फिर उनका काम अपने आप हो जाएगा। ये बीजेपी चाहती है, जो काम बीजेपी चाहती है वही काम कांग्रेस के कुछ नेता अपने बयानों से, अपने व्यवहार से प्रतिदिन करते रहते हैं। नाम लीजिए ना आचार्य जी, अब तो बताइए, अब तो आपने लफंडर कह दिया रणदीप सुरजेवाला को खुलेआम, अब तो बताइए कौन है वो नेता कांग्रेस के अंदर जिनको आपके वेशभूषा से दिक्कत है, हिंदू धर्म से दिक्कत है। देखिए, पहली बात यह है, अगर मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू धर्मगुरुओं से प्रॉब्लम है, हिंदू शब्द से प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, भगवान राम से प्रॉब्लम है, तो मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया। अब इस बात पे जो रिएक्ट कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मैंने लिया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें कह रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं ये प्रॉब्लम मेरी नहीं, वो उनकी तो कह रहे हैं महत्वहीन लोग हैं। अगर उल जलूल ऐसे महत्वहीन लोगों के बारे में बात मत करिए। तो अगर हम लोग महत्वहीन हैं, वो महत्वपूर्ण हैं, तो हमसे बात क्यों कर रहे हैं आप? उनकी बात मान के क्यों बात कर रहे हैं आप? उनकी बात मानिए। अच्छा जी, आपको डर नहीं लगता रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के अहम महत्व वाले नेता हैं, आपने उनको लफंडर कह दिया सोशल मीडिया पर? नहीं, डर तो उन्हें लगना चाहिए कि उन्होंने मुझे उल जलूल कह दिया, पहली बात। दूसरा, उन्होंने मुझे उल जलूल कहा, महत्वहीन कहा, मुझे तो बुरा नहीं लगा इतना। मैंने तो कहीं शिकायत नहीं की, मैंने तो कहीं शोर नहीं मचाया, मैंने तो कहीं फरियाद नहीं की। अब सवाल इस बात का है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, शुरुआत किसने की, बड़ा सवाल। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर रह करके कांग्रेस की गलतियां अगर कहीं हैं, कांग्रेस के कुछ नेता गलती कर रहे हैं, उनका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ नेताओं के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, गलत फैसलों का समर्थन करना कांग्रेस का हित है या कांग्रेस का विरोध? पहली बात, अगर किसी नेता के गलत फैसले से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, मैं चाहता हूं कांग्रेस को नुकसान ना हो। आचार्य जी, ऐसा लगता है कि अब आपके सब्र का बांध टूट गया है, इसीलिए आप अब सोशल मीडिया पर खुलकर ये सारे बयान में लेकर आया हूं। आपने कहा वामपंथियों का कब्जा हो गया है कांग्रेस पार्टियों पर, फिर जैसा आपने अभी बताया मेरी वेशभूषा से, मेरे तिलक से चिढ़ है, फिर उसके बाद राम के अस्तित्व पर कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने सवाल उठाया, हिंदू विरोधी आपने उन नेताओं को बता दिया, अब आपने कोई कसर छोड़ी नहीं है आचार्य जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अगर आप कांग्रेस पार्टी ने आप पर कार्रवाई कर दी तो आप क्या करेंगे? ये तो कांग्रेस का फैसला है। जब मुझे भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया था, तब भी मैं धर्मगुरु था। ये तो कांग्रेस पार्टी को तब सोचना चाहिए था कि हिंदू धर्मगुरु को कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया जाए या ना बनाया जाए। यदि आप मुझे कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनाएंगे, मुझे भारत के गृहमंत्री से चुनाव लड़वाएंगे, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर कांग्रेस का नुकसान कहीं हो रहा तब भी मैं बोलूं, और अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बात हो रही है तब भी मैं बोलूं। अब मुझे आप बताएं मानक जी, जो लोग सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हैं, सनातन को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बोला स्टालिन के खिलाफ? मुझे तो ये बात सूट नहीं करती, मुझे तो ये स्वीकार नहीं है। मैं राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन कोई सनातन धर्म को मिटाने की बात करेगा, भगवान राम के खिलाफ बात करेगा, रामचरितमानस के खिलाफ बात करेगा, रामायण के खिलाफ बात करेगा, और हम उसके साथ खड़े होंगे? नहीं। हम अगर उससे नाता नहीं तोड़ सकते हैं तो हम उसका विरोध तो करें। तो मेरी शिकायत यह है कुछ नेताओं से कि जब स्टालिन ने यह कहा कि हम सनातन धर्म को मिटा देंगे, सनातन धर्म को मिटाना है, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, ठीक है, ये बोला नहीं बोला, मॉस्किटो है, कोढ़ है, कुष्ठ रोग बोला है। तो क्या
कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, अब देखिएगा, तो इसका मतलब हम समर्थन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हिंदू धर्म का विरोध करने वालों के साथ नहीं खड़ी हो सकती। जी, आप साइडलाइन हैं कांग्रेस में। पहले आप प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, आपको दो दो बार चुनाव भी लड़ाया, लेकिन आपके बयानों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी में अब आप इररेलेवेंट, अप्रासंगिक हो गए हैं। और जितना आप साइडलाइन हो गए हैं, उतना ही आप ज्यादा बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस में कहां हूं, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि मैं देश में कहां हूं। मैं देश में कहां हूं, देश की जनता के मानसिक पटल पर मैं हूं, देश की जनता के दिलों में मैं हूं। और मैं क्यों? क्योंकि जो मेरे राम का विरोध करेगा, मेरे धर्म का विरोध करेगा, मेरे राष्ट्र का विरोध करेगा, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया आचार्य जी, मानक जी कितना कुछ दिया कांग्रेस पार्टी ने आपको? मानक जी, कांग्रेस ने दो दो बार चुनाव लड़ाया, बताइए इससे क्या हो गया? प्रियंका गांधी ने अपना सलाहकार बनाया आपको। अरे भाई, आपको हिंदू चेहरा बनाया अपना, और उसके बावजूद आप कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी बता रहे हैं, बताइए। मेरी शिकायत प्रियंका गांधी जी से थोड़ी है, प्रियंका गांधी को कोई मुझसे शिकायत थोड़ी है। क्या तुम्हें फोन किया प्रियंका जी ने कि मुझे आचार्य जी से शिकायत है? ये वो लोग हैं जो कुछ कांग्रेस पे कब्जा करना चाहते हैं, और ये कांग्रेस की विचारधारा के लोग नहीं है। अब मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मैंने एक बात कही कि प्रियंका गांधी जी इस देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा हैं। हाँ। उन्हें कांग्रेस का चेहरा बनाओ, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना चाहते हो तो प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाओ, ये मैंने कहा। हाँ। इसमें कौन सा बुरा कह दिया आपने? राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया, ये राहुल गांधी के खिलाफ बयान? आपने कहा राहुल की जगह प्रियंका को चेहरा बनाओ। मैंने ये नहीं कहा राहुल की जगह बनाओ, बात तो वही है। आप वही बात ना ना ना, आप तो इसका मतलब कांग्रेस की उस चौकड़ी की जो भाषा है वही बोल रहे हैं। अभी तो राहुल गांधी चेहरा है कांग्रेस का। नहीं, आप कह रहे हैं उनको हटाओ, प्रियंका को नहीं। मैं बिल्कुल, मैंने अगर कहीं ये कहा हो तो आप मेरा एक बयान, एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट दिखाओ। प्रियंका को बनाओ, मैंने सिर्फ, मेरी बात को सुनो। मैंने कहा कि प्रियंका गांधी जी सबसे लोकप्रिय चेहरा है। नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना चाहते हो तो प्रधानमंत्री के पद का एक उम्मीदवार बनाना पड़ेगा, और वो उम्मीदवार वो होना चाहिए जो लोकप्रियता के दृष्टिकोण से, पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से, एक्सेप्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से, और क्रेडिबिलिटी के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी के सामने तो राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकते? तो वो मेरी नजर में प्रियंका गांधी हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं हो सकते? एक सेकंड, मेरी नजर में प्रियंका गांधी हैं। अगर पार्टी राहुल गांधी जी को बनाती और मैं फिर कहता कि आप प्रियंका गांधी को बनाओ, तो राहुल जी का विरोध होता ना। अभी राहुल गांधी चेहरा नहीं है पीएम। राहुल गांधी कहां चेहरा है? कांग्रेस पार्टी जिस दिन घोषणा कर देगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद का चेहरा है, सुनिए, मैं सबसे पहला आदमी हूंगा, मैं समर्थन करूंगा। लेकिन राहुल जी तो पद प्रतिष्ठा से, सुनिए, ऊपर निकल चुके हैं। कहां बात कर रहे हैं आप? और ये जिस चौकड़ी के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं, यही जिम्मेदार है राहुल चांडाल चौकड़ी। आपने लिखा है ना चांडाल चौकड़ी, कौन है चांडाल चौकड़ी में आचार्य जी? अच्छा, एक बात बताओ मानक जी, आपको जिम्मेदारी दी जाए कि आपका ये शो बड़ा करना है, और पूरे आपको सुख सुविधाएं, सारी सुविधाएं, सारे साधन दे दिए जाए। अगर साल भर बाद ये शो नहीं खड़ा होता तो जिम्मेदारी मेरी होगी या आपकी होगी? तो आपको हट जाना चाहिए। 2019 के चुनाव में जब राहुल गांधी जी ने हारने के बाद इस्तीफा दिया, तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? सोनिया जी अध्यक्ष, कोट रही है, फिर राहुल जी अध्यक्ष, कोट रही है, फिर राहुल जी के बाद सोनिया जी अध्यक्ष, कोटरी नहीं बदली, फिर सोनिया जी के बाद खड़गे जी अध्यक्ष, वही कोटरी। तो 8-9 सालों से जो कांग्रेस को चला रही है ये कोटरी, ये क्यों नहीं बदलती? कहां कोटरी रह गई? गुलाम नबी आजाद चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, कौन सी कोटरी? गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जो गए, इसी कोटरी की वजह से गए। क्या बात करते हैं? कौन सी कोटरी है? पहली बात, जो फैसले ले रहे थे 10 साल पहले वही फैसले आज ले रहे हैं। और ये मानक जी, पता है ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते, ना कभी चुनाव लड़ने की सोचते। कांग्रेस पार्टी के भाग्य की विडंबना देखिए। कांग्रेस पार्टी में चुनाव कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा, इसका फैसला वो लोग करते हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ते, और अगर कभी लड़े भी हैं तो बुरी तरह हारे हैं, जमानते जब्त हैं। ये फैसला करते हैं कि मोदी को कौन हराएगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आपको CWC में नहीं लिया, आपको राज्यसभा नहीं भेजा, इसीलिए आपने ये बगावती सुर अपना लिए। अच्छा, और आप कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। क्या मैं पहले CWC में था?
क्या मैं राज्यसभा में था, क्या मैं AICC में था, ये विषय नहीं है, विषय व्यक्तिगत नहीं है। मैं पूरी जिंदगी चपरासी बनने को तैयार हूँ, सिपाही बनने को तैयार हूँ, कार्यकर्ता रहने को तैयार हूँ। मैंने अगर ये कहा कि भाई प्रियंका जी को चेहरा बनाओ, अगर मैं ये कहता मुझे चेहरा बनाओ, तब तो मेरा स्वार्थ होता। क्या आपको लगता है आपने प्रियंका जी के पक्ष में बयान दिया इसीलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? ये भी एक वजह है क्या? ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जो कोटरी है वो नहीं चाहती प्रियंका जी आ गया है। बिल्कुल नहीं चाहती। क्यों? ये तो उस कोटरी से पूछो। इसका मतलब राहुल जी भोले हैं, इस कोटरी की बातों में आ जाते हैं, प्रियंका जी इनको समझती हैं। तो प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। सुनिए, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। अब ये जो कोटरी है ये महात्मा गांधी की कांग्रेस को मार्क्स के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। इसका मतलब बीजेपी सही कहती है आचार्य जी, कांग्रेस में दो खेमे हैं, एक राहुल गांधी का खेमा है, एक प्रियंका गांधी का खेमा है, दोनों की आपस में बनती नहीं है। अब बीजेपी क्या कहती है? अभी वो इशारा कर रहे हैं नहीं, मैं कि आपने तो प्रियंका जी को आगे करने की बात कही और राहुल गांधी के समर्थक कोटरी ने आपको टारगेट कर दिया। भाई बीजेपी का दफ्तर कहाँ है मुझे तो ये भी नहीं पता। बीजेपी जो कह रही है उसका जवाब बीजेपी से लो। आचार्य प्रमोद कृष्णम छात्र जीवन से इस कांग्रेस में है। जब मैं कल्की पीठ का पीठाधीश्वर हुआ 2 नवंबर 2007 को, तो भाजपा की ऑफर थी कि अब तो आप धर्मगुरु हो गए हैं, अब तो हमारे साथ आ जाइए। हाँ। क्योंकि देश के अंदर सारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जितने हैं वो सब बीजेपी में। हाँ। ज्यादातर। और आप एक पॉपुलर और एस्टेब्लिश्ड धर्मगुरु हैं। मैं नहीं गया, मुझे जाना होता मैं 14 में जाता, 15 में जाता, 16 में जाता, 17 में जाता, 18 में जाता, 19 में जाता, 20 में जाता, 21 में जाता। प्रश्न ये नहीं है। अब मुझे आप बताओ, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता वीर सावरकर को गद्दार बोलते हैं, कायर बोलते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने विरोध किया नहीं किया? साहब अगर अगर जी वो तो राहुल गांधी भी बोलते हैं। सुनो, हाँ तो राहुल जी ने अगर तो यानी आप राहुल गांधी के खिलाफ भी झंडा उठा रहे हैं? अगर राहुल, पहले मेरी बात सुनो, राहुल जी ने कहा वीर सावरकर की नीतियों से वो सहमत नहीं है। मैं भी सहमत नहीं हूँ, मैं राहुल जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन जब उद्धव ठाकरे के साथ हमने समझौता किया तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने यह विरोध दर्ज किया कि साहब अगर आप उद्धव ठाकरे के, सुनो, आप अगर वीर सावरकर जी के खिलाफ बोलेंगे तो हम ये अलायंस में नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही जब स्टालिन ने बोला, सुनिए, बिहार में एक मिनिस्टर है RJD का, उन्होंने रामचरितमानस और तुलसीदास और भगवान राम पे क्या क्या नहीं कहा। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। कल ही उन्होंने लक्ष्मी जी के लिए क्या बयान दिया है। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए कि हम सर्वधर्म संभाव के रास्ते पे चलते मान हैं, हम किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। आपकी विचारधारा मान लीजिए भाजपा से मेल खाती है, अगर बीजेपी में जाने के आपके सितारे इशारा कर रहे हैं और सब कुछ उसी तरह से चल रहा है, तो बताइए ना कि आपको भी लग रहा है कि अब कांग्रेस में आपके दिन बचे खुचे हैं और बीजेपी की तरफ या उस विचारधारा की तरफ जो पार्टियां हैं हिंदू धर्म की समर्थक, उनकी तरफ आपकी राह अब बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या राम का नाम लेना भाजपा में जाना है? क्या महात्मा गांधी भाजपा ही थे? जब उनकी छाती में गोली लगी तो उनके मुंह से निकला हे राम, तो क्या महात्मा गांधी को आप भाजपा ही कहेंगे? महात्मा गांधी की हर एक सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, क्या महात्मा गांधी भाजपा ही थे? क्या साधु संतों से मिलना भाजपा में जाना है? इतने तकलीफ में है आचार्य जी आपके अंदर का धर्मगुरु, उसके बावजूद आप कांग्रेस में टिके हुए। आप खुद कह रहे हैं ना मुझसे देखा नहीं जाता, आपके सनातन धर्म को क्या क्या नहीं कह रहे ये लोग, और कांग्रेस के अंदर ही चांडाल चौकड़ी हिंदू विरोधी है, फिर भी आप कांग्रेस में टिके हुए। यही तो मेरी खासियत है। वो तो चाहते हैं मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊं, वो तो चाहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊं, वो चाहते हैं कि कोई हिंदू धर्म गुरु कांग्रेस के साथ ना रहे और कांग्रेस हिंदू विरोधी घोषित हो जाए। तो जो बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी घोषित हो जाए, वही ये चंडाल चौकड़ी चाहती है। तो कांग्रेस का समर्थक मैं हुआ या वो हुए, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है। और जिस दिन, मानक गुप्ता जी सुनिए, जिस दिन मुझे लगेगा कि पूरी पार्टी हिंदू विरोधी हो गई है तो मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा, क्योंकि ये पार्टी वो पार्टी है जो सर्वधर्म संभाव विश्व बंधुत्व
वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पे चलते हैं। पर अब बचा कहाँ है कुछ? आपने खुद कहा आपकी पार्टी बोलती नहीं है कुछ भी, डीएमके के लिए कुछ नहीं बोला। यही तो शिकायत है, यही तो मेरा दर्द है। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, बोलने की आजादी है। अच्छा, जो ग्रुप 23 बना, कहीं आपको कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में तो नहीं लग रहा? आपको लग रहा है मोदी जी एक बार 24 में फिर से वापस आ रहे हैं? सारे सर्वे यही कह रहे हैं, सब इशारा यही कर रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा तो है नहीं? 50-60-70-100 सीटें आ जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, विपक्ष में उसको 5 साल और बैठना है, इसीलिए तो नहीं कि आप माहौल बना रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ बोल बोलकर कि कोई और राह पकड़ लें? मानक गुप्ता, मेरा एक ट्वीट, एक बयान, एक स्टेटमेंट, एक इंटरव्यू मुझे दिखाओ जो कांग्रेस के खिलाफ हो। मैं कांग्रेस के भीतर जो कुछ ये चिरकुट टाइप के लोग, चंडाल चौकड़ी इकट्ठी हो गई है, एंटी हिंदू, एंटी राम, सुनिए, एंटी नेशन, ये कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, 8-10 सालों से सारे फैसले तो आप ले रहे हैं, तो जब सारे फैसले आप ले रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने जब इस्तीफा दिया नैतिकता के आधार पे, आपने क्यों नहीं दिया? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो राहुल जी खुद कह चुके हैं, सुनिए, सीईसी के अंदर, पूरी मीडिया के अंदर आया, सीईसी के अंदर राहुल गांधी जी ने ये कहा कि राजस्थान का एक मंत्री सबसे भ्रष्ट है, इसे टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, और उसी को टिकट दे दिया गया, उसको टिकट दिया गया। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जो राहुल गांधी जी के आदर्श और आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मैं अब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा, इस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, इस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, जिस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, लेकिन इस कोटरी ने देश में उस फैसले का मजाक बनवाया। आपको अपमानित महसूस नहीं होता? मानक जी छोड़ो, आचार्य प्रमोद किसलम का कौन अपमान कर रहा, कौन सम्मान कर रहा, आपको प्रचार के लिए कहीं नहीं भेजा? बताइए, मानक कहीं नहीं भेजा? मानक, आप इकलौता हिंदू चेहरा है ना धर्मगुरु कांग्रेस पार्टी के। मानक मेरी बात सुनो, जब मैं सार्वजनिक जीवन में आ गया, पब्लिक लाइफ में हूं, तो मेरा मान क्या, अपमान क्या, मेरा समर्पण, मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा, मेरा संघर्ष, सुनिए, मेरा मान अपमान सब अपनी पार्टी के लिए है। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या कांग्रेस में रहने का मतलब यह है कि मैं सच ना बोलूं? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब यह है कि ये जो चंडाल चौकड़ी अपने स्वार्थों में लिप्त होकर के, ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी की पूरी इमेज खराब करी, राहुल गांधी जी की जो इमेज खराब हुई है उसमें भाजपा का दोष कम है, इस चौकड़ी का ज्यादा है। आप पर आरोप लगता है कि आप बीजेपी के इशारों पर चल रहे हैं आचार्य जी? अच्छा, पर्दे के पीछे कुछ अच्छा, सेटिंग चल रही है आपकी? अच्छा, ये जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा जो बीजेपी के कैंडिडेट थे राज्यसभा के, इन्हें जिताने का काम किसने किया हरियाणा में? किसने किया? इसकी जांच होनी चाहिए, किसने किया? और वो डील क्या थी? आर के आनंद को हरवाने का काम किसने किया? जो कांग्रेस के ऑथराइज कैंडिडेट को हरवाए बीजेपी के, वो दलाल हैं या आचार्य प्रमोद किशनम? जो अजय माकन को हरवाएं, अजय माकन को हरवाएं बीजेपी के एजेंट, वो हैं या आचार्य प्रमोद किशनम? बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, और आचार्य प्रमोद किशनम चाहते हैं कि नहीं, कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस सब धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। तो चुप क्यों है फिर, जैसे आप खुद कह रहे हैं इतना अपमान हो रहा है हिंदू धर्म का और कांग्रेस पार्टी चुप है? मजबूरी है ना, राजनीतिक मजबूरी है, सबके इलाज आपको भी समझना चाहिए। अब आप बाबा के साथ साथ आचार्य जी धर्मगुरु के साथ साथ एक मंझे हुए राजनेता भी हैं, आपको भी समझना चाहिए कि इंडिया गठबंधन बना है, ऐसे में एक दूसरे के प्रति कुछ स्थानीय फैक्टर भी होते हैं, रीजनल फैक्टर होते हैं। अब ऐसे बोलने लगेंगे गठबंधन कैसे बनेगा, कैसे हराएंगे मोदी को? मानक गुप्ता, मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं हूं। गठबंधन के खिलाफ कौन है? अखिलेश यादव, जिन्होंने मध्य प्रदेश में साफ कहा है कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा एक हैं। तो ये गठबंधन है, मजाक हो रहा है, देश की जनता को धोखा देना चाहते हैं आप? अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता वो कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा एक है, तो गठबंधन का औचित्य क्या रह गया? तो सवाल ये नहीं है, मैं तो चाहता हूं गठबंधन होना चाहिए था, लेकिन गठबंधन किसने तोड़ा? अब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को गाली दे अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गाली दे, समाजवादी पार्टी कांग्रेसियों को गाली दे, चिरकुट बताएं,
टुच्चे बताएं, लुच्चे बताएं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे अजय राय जी को क्या क्या नहीं कहा समाजवादियों ने, चिरकुट नहीं, गुंडा, लफंगा, लुच्चा, टुच्चा, पुच्चा, क्या क्या कह दिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा है भाई। तो गठबंधन नहीं होना चाहिए, इंडिया गठबंधन नहीं बनना चाहिए। गठबंधन क्या जमीर को खत्म करके करेंगे? ऐसी राजनीति, ऐसी सत्ता का क्या करेंगे? ठोकर पे मारनी चाहिए ऐसी सत्ता। और फिर विपक्ष में बैठना चाहिए अंतर? अरे विपक्ष नहीं, हम पूरी जिंदगी विपक्ष में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था? पंडित नेहरू ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय एकता पर समझौता नहीं किया, शहादत दे दी। राजीव गांधी ने देश के मान मर्यादा के लिए अपने शरीर के टुकड़े कराए। सोनिया गांधी जी ने सत्ता को ठोकर पे मार दिया। 2004 में प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, 2009 में बन सकती थी, कोई नहीं रोक सकता था, नहीं बनी। सत्ता सब कुछ नहीं होती है, मानक सिद्धांत बहुत बड़ी चीज है। जहां सवाल धर्म और राष्ट्र पे आए वहां समझौता नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी वाले हमें रोज गाली दे रहे हैं और हम सत्ता के लिए चुप रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी को हटाना सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी है? अब आचार्य जी रैपिड फायर राउंड इस इंटरव्यू का, इसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं, आपको छोटे छोटे जवाब देने होंगे। मानक जी ये पूरा इंटरव्यू रैपिड है, ये रैपिड फायर। अब तो ये तो अभी शुरुआत थी, अब आ रहे हैं असली सवाल, मुश्किल। इतना खतरनाक सवाल, इतने खतरनाक सवाल और सीधे अटैक करने वाले, मुझे आज तक मुझे नहीं लगता कि मुझ पर किसी ने इतने सवाल किए। ओके, आप तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? मैं तो जहर में छोटे छोटे जवाब देने पड़ेंगे आचार्य। जहर में बुझे हुए तीर खाते खाते ही बाबा बनाऊं। ओके, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो आचार्य जी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, देश का सबसे बड़ा हिंदू विरोधी नेता आप किसे मानते हैं? ओवैसी को। ओवैसी, सेफ जवाब दिया है आपने। हिंदुओं से सबसे ज्यादा चिढ़ने वाली पार्टी कौन सी है? हिंदुओं से चिढ़ने वाली पार्टी कौन सी है या सनातन धर्म से चिढ़ने वाली पार्टी कौन सी है? वो तो बयान आ रहे हैं सबके। कोई एक सबसे बड़ी जो नफरत करती हो हिंदू धर्म से? जो पेरियार के रास्ते पर जाती है, डीएमके। ओके, डीएमके। कांग्रेस में किन नेताओं को हिंदू धर्म से नफरत है? कई हैं मगर उनका नाम नहीं लूंगा। ओके, चांडाल चौकड़ी कह सकते हैं आप। ओके, आपके तिलक और कपड़ों से सबसे ज्यादा कौन चिढ़ता है? चांडाल चौकड़ी। चांडाल चौकड़ी। देश की सबसे बड़ी मुस्लिम समर्थक पार्टी कौन सी है या मुस्लिम पार्टी कौन सी है? ओवैसी की पार्टी। ये तो सेफ जवाब दे रहे हैं आचार्य, सबको पता है। तो है वो, उन्हीं के पार्टी के अंदर मुसलमान है, बाकी किसी पार्टी में तो मुसलमान है नहीं। लेकिन आपको भी पता है कि महबूबा कांग्रेस पार्टी तक पर भी तमगा लगा है मुस्लिम पार्टी होने का। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी क्यों होती? ना कांग्रेस पार्टी ना हिंदू पार्टी है ना मुस्लिम पार्टी है। कांग्रेस जितना हिंदुओं की उतना मुसलमानों की। ठीक है, देश की सबसे ज्यादा वामपंथी पार्टी कौन सी है? खुद वामपंथी। वामपंथी है। नहीं, आजकल तो ये है ना कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो वामपंथियों को भी मात दे चुके हैं। नहीं नहीं, वामपंथी पार्टियों ने अपने कुछ जो चेले चपाटे हैं वो सारी पार्टियों में भेज दिए, हमारी पार्टी में ज्यादा आ गए। ओके, देश का सबसे बड़ा हिंदू नेता आज कौन है? मैंने कहा था ना ये तो शुरुआत है। हाँ, सबसे बड़ा हिंदू नेता कौन है आज करंट लीडरशिप में? हिंदुओं का कोई एक नेता नहीं है। नहीं है हिंदुओं का कोई एक नेता? नहीं, मोदी जी, योगी जी, आप इनको नहीं मानते सबसे बड़े हिंदू नेता है? ये सब हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं के अगर कोई हिंदुओं का कोई एक नेता हो तो फिर तो 80 करोड़ लोगों का नेता हो गया। मतलब मैं हिंदू हृदय सम्राट कह रहा हूँ वो बता दीजिए। हिंदू हृदय सम्राट जैसी चीज कोई आज नहीं है। नहीं है? अच्छा, ओके, समझ गया मैं। आडवाणी जी, अटल जी, अगर हिंदू, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे। नहीं नहीं, अगर हिंदुओं का एक नेता होता तो फिर तो वो हमारा भी नेता हो गया ना। ये सवाल, मतलब सबसे बड़ा हिंदू नेता कोई है? नहीं, नेता सबसे लोकप्रिय हिंदू नेता कोई? नहीं नहीं, लोकप्रियता होना अलग बात है, हिंदू नेता होना अलग बात है, सबसे बड़ा हिंदू नेता होना और अलग बात है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू नेता बता सकता हूँ? बताइए। पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू नेता भगवान श्री राम है। बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत बढ़िया। मैंने तो इसीलिए आपको गिनवा दिए। पहले हिंदू हृदय सम्राट, सनातन के सम्राट भी राम है। राम, पहले अडवाणी जी को कहा जाता था, याद करिए। नहीं, नहीं, फिर अटल जी का भी नाम आया, हालांकि वो थोड़े उदारवादी थे। ये सब फिर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ,
मैं फिर अमित शाह का भी नाम आने लगा। मैं किसी 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 से सहमत नहीं हूँ। ओके, सनातन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक मुख्यमंत्री आज देश में कौन है? योगी आदित्यनाथ। बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सीएम कौन सा है? अब मुझे ज्यादा नहीं इसके बारे में, मुझे लगा आप स्टालिन कहेंगे, मुझे नॉलेज नहीं। स्टालिन के बयान मैंने ज्यादा नहीं पढ़े, उनके पुत्र के जरूर पढ़े हैं जिन्होंने समर्थन किया था, जिन्होंने सनातन को डेंगू और मलेरिया बताया। तो मुझे लगता है कि डीएमके की फुल फॉर्म ही डेंगू मलेरिया और कुष्ठ है। ओके, देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री? मैं तो अपनी पार्टी के ही नेता का नाम लूंगा। हाँ, किस नेता का लीजिए, जिसका लेना चाहें। भूपेश बघेल का नाम लेना चाहूंगा। ओके, और पुराने मुख्यमंत्रियों को भी अगर जोड़ लें तो अब तक का बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर आपके हिसाब से कौन रहा है? डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेंद्र तिवारी। ओके, देश का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन रहा है आचार्य? अब उसमें सर्वश्रेष्ठ बहुत सारे हैं, नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, नरसिम्हा राव हैं, फिर जो एक एक डेढ़ डेढ़ साल रहे वो भी हैं, फिर वाजपेयी जी हैं, मोदी जी हैं, मनमोहन सिंह हैं। देखिए, जितने प्रधानमंत्री रहे हैं ये सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। कुछ बातों में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जवाब नहीं। ओके, कुछ विषयों पर इंदिरा जी का जवाब नहीं, और राजीव गांधी तो अद्वितीय थे, अद्भुत थे। पंडित नेहरू राष्ट्र के निर्माता हैं। ओके, और नरेंद्र मोदी के भी कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपको पसंद है, जिनकी सराहना होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहीं से शुरू करता हूं। मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे पीएम के तौर पर? उन्होंने जो 370 हटाने का काम किया इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। उन्होंने G20 का जो आयोजन किया इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन उनके जो फैसले हैं उनमें डिक्टेटरशिप झलकती है। कोरोना के पीरियड में उन्होंने जो लॉकडाउन का फैसला लिया एक बड़ा फैसला था। तो 10 में से नंबर देना मुश्किल है? नहीं, राजनीतिक तौर पे तो मैं जिस पार्टी में हूं मैं उनका विरोध करूंगा। ठीक है, 10 में से नंबर नहीं देंगे, विरोध करेंगे। ओके, मनमोहन सिंह को 10 में से कितने नंबर देंगे पीएम के तौर पर? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। 10 में से कितने? 7-8। मैं तो 10 में से 10 नंबर देंगे। 10। ओके, और अटल बिहारी वाजपेयी को? उनको भी 10 में से 10। 10 में से 10, बहुत बढ़िया। नेहरू, इंदिरा और राजीव, इनमें से अगर आपको चुनने को कहा जाए बेस्ट पीएम, इन तीन में से कौन रहा है, चुन पाएंगे? नहीं चुन पाएंगे, तीनों की परिस्थितियां अलग हैं। ओके, और इनमें से सबसे ज्यादा सनातनी प्रधानमंत्री कौन रहा? इंदिरा गांधी। और कुछ लोग कहते हैं राजीव गांधी, क्योंकि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए। राजीव गांधी भी उनके पुत्र हैं। ओके, पर आपके हिसाब से इंदिरा गांधी। तो माँ पे पूत। ओके, राम मंदिर बनवाने का अयोध्या में श्रेय किसे मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को। क्यों, मोदी जी को नहीं? बीजेपी तो श्रेय ले रही है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट। और कांग्रेस कहती है राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, कमलनाथ ने क्या कहा? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, नंबर एक। नंबर दो, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और अब सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, लेकिन राम मंदिर बनाने का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। ओके, ठीक है, डन। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में ज्यादा बड़ा सनातनी कौन है? ये आस्था, धर्म और ये जो श्रद्धा है ये व्यक्तिगत विषय है। मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूँ, भारत की बहू बन के आई, उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता का निर्वहन किया है। सोनिया गांधी एक अच्छी माँ है, ठीक है, एक अच्छी बहू भारत की, एक ऐसे सपूत के साथ उनका संबंध स्थापित हुआ, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार की भाषा नहीं बोली, ठीक है, उन्होंने कभी सर से पल्लू नहीं हटने दिया। ज्यादा धार्मिक कौन है अगर मैं ऐसे पूछूं? अब मुझे लगता है कि प्रियंका जी, राहुल जी और सोनिया जी, उनकी निष्ठा पर और उनके उनकी आस्था पर तुलना नहीं की जा सकती। नहीं, टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ओके, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बेहतर प्रधानमंत्री कौन साबित होगा? ये तो जो बनेगा कोई तब पता चलेगा। भाई, आपने तो कहा ना प्रियंका गांधी को पीएम का चेहरा बनाना चाहिए। हाँ, मैंने बिल्कुल कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद का चेहरा बनाना
तो प्रियंका गांधी में सब गुण हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी को गांधी परिवार में पैदा होने का प्रिविलेज मत दो, लेकिन गांधी परिवार में पैदा हुई है प्रियंका जी, उसकी सजा भी मत दो। ओके, ठीक है, समझ गया। आखिर प्रियंका गांधी में ऐसी कौन सी कमी है जो प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार उनको नहीं बनाया जा सकता? ओके, तो इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी को बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनना चाहिए? क्या खड़गे जी ठीक है या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से एक को? अभी खड़गे जी ठीक है और खड़गे जी ठीक काम कर रहे हैं। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल सरकार आई है, कर्नाटक सरकार आई है और हमें उम्मीद है कि हम इन राज्यों में भी जीत रहे हैं। तो अगर हम इन राज्यों में जीतते हैं तो इसका श्रेय खड़गे जी को दिया जाना चाहिए। ठीक है, ओके। अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है आचार्य जी 24 के बाद? जिसे देश की जनता चाहेगी। मोदी जी? देश की जनता चाहेगी तो मैं थोड़ी रोक लूंगा। आपने तो खुल के कहा है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनको कोई रोक नहीं सकता। अगर प्रियंका गांधी जी को चेहरा नहीं बनाया गया तो नरेंद्र मोदी जी को हराना मुश्किल है। ओके, पीएम मोदी के बाद देश का पीएम कौन बन सकता है? मोदी जी के बाद 29 में, 34 में, कभी भी? इतने लंबे सवाल भला क्यों कर रहे हैं? कल क्या होगा किसी को थोड़ी पता है। ओके, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता? ओके, यूपी का अगला सीएम कौन बनेगा योगी जी के बाद? मैं तो चाहता हूं मैं बन जाऊं। राजस्थान का अगला सीएम कौन? नहीं, लेकिन ये फैसला तो प्रदेश की जनता का है। ओके, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं चाहता हूं सचिन पायलट बने। पर बनेंगे? अशोक गहलोत जी की चलेगी तो नहीं बनेंगे। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं चाहता हूं कमलनाथ जी बने, वो ही बनेंगे। ओके, और छत्तीसगढ़? मैं चाहता हूं भूपेश बघेल बने। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं आचार्य जी? 50, 70, 80, 100, 200? हमारी कोशिश है कि 272 आए। आएंगी कितनी? मुझे नहीं पता, देश की जनता फैसला करेगी। ओके, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको सिर्फ एक शब्द बताना है, रणदीप सुरजेवाला। कांग्रेस के मालिक। ओके, जयराम रमेश। महापुरुष। कपिल सिब्बल। वरिष्ठ वकील, लाजवाब वकील। सलमान खुर्शीद। एक अच्छे दोस्त। कपिल सिब्बल से आपको कोई शिकायत नहीं है? उन्होंने तो ऐसे ऐसे केस लड़े जो सारे राम मंदिर के खिलाफ, उस केस में 370 के खिलाफ, उस केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ, उस केस में देखिए व्यक्ति के तीन तलाक वाले, व्यक्ति के दो धर्म होते हैं, एक वो धर्म जिसमें वो पैदा होता परिवार में, एक वो धर्म जो बाय प्रोफेशन अडॉप्ट करता है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है धारयति इति धर्मा। तो कपिल सिब्बल एक बहुत ही अच्छे इंसान है। ओके, लेकिन वो एक अच्छे वकील भी हैं, वो जिसके साथ खड़े हुए उनका धर्म बनता है कि वो उसका केस लड़े। ओके, सलमान खुर्शीद। बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हैं। दिग्विजय सिंह। राजा आदमी। राजा। मणिशंकर अय्यर। ज्यादा उन्हें मैं जानता नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं। अशोक गहलोत। चतुर जादूगर। चतुर जादूगर। सचिन पायलट। अगले मुख्यमंत्री। भविष्य का नेता। भविष्य का नेता। योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। अखिलेश यादव। शरीफ आदमी। अजय राय, जिनको चिरकुट कह रहे हैं अखिलेश यादव। हमारे परिवार के सदस्य। मायावती। बड़ी राजनीतिक। ओके, बड़ी राजनीतिक। ओके, ओवैसी। हिंदू विरोधी। अब बार बार इसको कहना ठीक नहीं है। मुलायम सिंह। मुलायम सिंह जी तो अब चले गए हैं, कोई शिकायत नहीं है उनसे। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। राहुल गांधी। महान तपस्वी। प्रियंका गांधी। भारत का भविष्य। सोनिया गांधी। सम्मान के काबिल। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। अनुभवी नेता। नरेंद्र मोदी। सफल नेता। अमित शाह। कूटनीतिक। जेपी नड्डा। कुछ भी नहीं। एक आरोप आप पर ये भी लगता है आचार्य जी, आप तो धर्म गुरु हैं, बाबा हैं, कल की पीठाधीश्वर की सेवा में लगे हैं, क्यों आप चुनाव भी लड़ते हैं फिर राजनीति भी करते हैं? बाबाओं का राजनीति में आना सही है क्या?
बाबाओं को एक गठरी में बांध के समंदर में फेंक दो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बाबाओं से? पत्रकार राजनीति करे चलेगा, डॉक्टर राजनीति करे चलेगा, वकील राजनीति करे, संसद में जाए राज्यसभा में जाए चलेंगे, हैं? डाकू, चोर, उचक्के, लुटेरे, स्मगलर, ये लोकसभा में चले जाएं, राज्यसभा में चले जाएं, चलेगा, हैं? पत्रकार चलेंगे, बिजनेसमैन चलेंगे, सुनो सब चलेंगे, नहीं बाबा नहीं चलेंगे। और सुनो, देश अब बदल रहा है, बाबा चीफ मिनिस्टर, ये भी हो सकता है एक दिन कोई बाबा देश का प्रधानमंत्री बने। बाबा तो अपना जीवन समर्पित करता है। क्या आप इशारा कर रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? और कोई तो बाबा दिखता नहीं मुझे अभी पीएम बनने लायक, या जो उस रेस में भी शामिल हो। देखो कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इस बार चुनाव लड़ेंगे आचार्य जी? 24 का चुनाव आ गया, ये तो पार्टी का फैसला, पर आपकी इच्छा क्या है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी इच्छा तो राजनाथ सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की थोड़ी थी, लेकिन आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब मुझे कहा तो उन्होंने जो कहा मैं चला गया। और मैंने ये कहा था उनसे कि आप मुझे शहीद होने के लिए भेज रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वहाँ शहादत होगी, पर पार्टी का सम्मान बढ़ा, लगभग 2,00,000 वोट मिले, लखनऊ की जनता का आभार, और शत्रुघ्न सिन्हा बताइए अपनी पत्नी के प्रचार के लिए पहुंच गए थे वहां पर। ऐसे ऐसे लोगों ने तो पार्टी दुबोई है। अब शत्रुघ्न कांग्रेस में थे ना उस समय, शत्रुघ्न अब शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ है? टीएमसी में। उस दिन आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुखालफत कर रहे थे ना, अखिलेश यादव जी और मायावती जी के ट्रक पे बैठे खड़े थे ना, सुनिए उनकी पत्नी उनकी कैंडिडेट थी। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के कैंडिडेट थे और शत्रुघ्न सिन्हा पटना से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन वो लखनऊ के कैंडिडेट के खिलाफ मेरे खिलाफ प्रचार करने आए, तब भी मैंने ये सवाल उठाया था। मैंने कहा प्रियंका जी ये गलत हो रहा है, इससे मैसेज खराब होगा, इससे पार्टी का नुकसान होगा, और प्रियंका जी सहमत थी। आचार्य जी 24 में एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे 19 की तरह 14 की तरह? मानक जी ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी मुझे कहेगी तो विचार किया जाएगा, पार्टी नहीं कहेगी तो कोई ऐसी लालसा नहीं। 19 में आप 2,00,000 वोट पा गए राजनाथ सिंह के खिलाफ, तो इस बार तो आपको लड़ाना चाहिए बिल्कुल। नहीं, वो प्रियंका गांधी जी ने मुझे कहा होम मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़ो, तो मैं लड़ गया। प्रियंका जी कहेंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी चुनाव लड़ जाऊंगा। तैयार है मोदी जी के खिलाफ लड़ने को? क्यों, मोदी जी भी इंसान है, मोदी जी इंसान है, मंगल ग्रह से थोड़ी आए हैं। मतलब आप वाराणसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ उतरने को तैयार है कांग्रेस पार्टी कहे तो? देखिए दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, वक्त सिकंदर होता है। जब मोदी जी का वक्त चल रहा है तो ठीक है, हमारा वक्त चलेगा तो फिर चलेगा। तो मानक जी सवाल ये है, ऐसा तो नहीं कि 2019 की हार जो है वो आपको आज भी कचोटती है? नहीं, कचोटती तो है, हार किसे नहीं कचोटती। क्यों क्यों दुख होता है उस हार का? नहीं, 2,00,000 वोट मिले थे तो इससे क्या हुआ? 2,00,000 वोट मिले या 5,00,000 वोट मिले, हार तो हार है, और जीत एक वोट से भी हो जीत है। क्या इस बात की तकलीफ है आपको कि आप ही के कांग्रेस पार्टी के ही एक और उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा आपके खिलाफ चुनाव प्रचार करने पहुंच गए लखनऊ? नहीं, इस बात की तकलीफ नहीं है, ये एक ब्लंडर था कि पटना से लोकसभा के कैंडिडेट कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, लखनऊ से लोकसभा का कैंडिडेट कांग्रेस का मैं था, और पटना का लोकसभा का कैंडिडेट कांग्रेस का लोकसभा का कैंडिडेट लखनऊ के लोकसभा के कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार कर रहा है अपनी पत्नी के लिए। ये सब कोटरी की देन है। और आज शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ है? कल जो लोग कह रहे थे कि नहीं शत्रुघ्न सिन्हा ज्यादा अजीज हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम तो हार भी जाएंगे तो चलेगा, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी को जिता दो, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी भी नहीं है और शत्रुघ्न सिन्हा जी भी नहीं है पार्टी में, मैं हूँ। मतलब आप कांग्रेस में ही रहने वाले हैं क्या आचार्य जी? नहीं, ये फैसला तो कांग्रेस को करना, मुझे थोड़ी करना है। मैं अपनी पार्टी में जब तक हूँ, जब तक पार्टी के फायदे की बातें करूँगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों उत्तर दक्षिण ध्रुव हैं, मैं बीजेपी में नहीं जाना चाहता। यदि कांग्रेस पार्टी का ये फैसला हो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तुम चले जाओ, तो ये फैसला कांग्रेस को करना, मुझे थोड़ी करना। आप कांग्रेस से कब जुड़े थे आचार्य जी? आपने बताया अभी काफी छात्र राजनीति से, कब की बात है ये? जब मैं 12वीं क्लास में था, राजीव जी से मिला था 1983 में। राजीव गांधी जी उस समय सांसद बन गए थे, अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव थे, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, और मुझे उनसे मिलाया था राजेश पायलट जी ने। एक छात्र आंदोलन हम कर रहे थे यूपी में। हाँ, यूपी में, वहां से हम जुड़े। और जब से राजीव गांधी जी से हम जुड़े हैं,
तब से लेकर आज तक वो राजीव गांधी की जो छवि है वो मेरे दिल में बसी हुई है। और मुझे कांग्रेस पार्टी ने कोई बड़े तमगे नहीं दे दिए, माफ करना, और मुझे मुझे दरकार भी नहीं है, मुझे मुझे कोई ऐसी मेरी लालसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मुझे ये पद दे, कांग्रेस पार्टी मुझे ये पद दे। मैं पदों का भूखा नहीं हूँ, माफ करना, ओके, परमात्मा की कृपा से है ना। और मैं अपनी पार्टी के साथ इसलिए हूँ कि मुझे उस पार्टी की नीतियाँ अच्छी लगती हैं, ओके। इस पार्टी के अंदर बोलने की आज़ादी है, ठीक है। जो G23 बना था जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, हुड्डा जी, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, राज बब्बर, पृथ्वीराज चौहान, वीरप्पा मोइली, ये सब लोगों ने चिट्ठी लिखी थी। वो तो नेतृत्व के खिलाफ चिट्ठी थी, ठीक है, वो तो सुनिए, नेतृत्व के खिलाफ चिट्ठी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसको एड्रेस किया। गुलाम ने भी पार्टी छोड़ के, कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ के, लेकिन बाकी सब तो हैं। तो अगर अगर हुड्डा जी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, राज बब्बर जी को कहने की आज़ादी है, शशि थरूर को कहने की आज़ादी है, और आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह अच्छा ठीक है, तो जब आचार्य जी आप छात्र राजनीति से जुड़े, उसके बाद फिर आप धर्मगुरु बने, पहले राजनीति में आए थे क्या? पहले राजनीति में ही था, ओके, बाद में फिर धर्म के प्रति आपका रुझान हो गया? नहीं, धर्म तो हमेशा ही रहता है, बचपन से धर्म, धर्म तो मनुष्य के जन्म से है। आप इस झमेले में काहे पढ़ना चाहते हैं, आप भी बाबा बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। उसके बाद फिर छात्र राजनीति के बाद कांग्रेस में आप आगे बढ़ते चले गए, धीरे धीरे धीरे। मैं यूथ कांग्रेस में रहा, प्रदेश कांग्रेस में रहा, यूपी कांग्रेस कमेटी का 3 बार प्रवक्ता रहा, यूपी कांग्रेस कमेटी का महासचिव रहा। मैंने महावीर प्रसाद जी के साथ, नारायण दत्त तिवारी के साथ, जितेंद्र प्रसाद जी के साथ, सलमान खुर्शीद जी के साथ, सबके साथ काम किया, okay। उसके बाद फिर मैं चला गया। जब मेरा पथ परिवर्तित हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो फिर मैं 10 साल नहीं लौटा, ओके, लेकिन फिर दिग्विजय सिंह जी से भेंट हुई, फिर और बहुत सी चीज़ें हुई, तो फिर राजीव शुक्ला जी से भेंट हुई, राजीव शुक्ला जी ने मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने के लिए फिर दोबारा से मुझसे बात की, okay। उन्होंने कहा सारे देश के जितने साधु संत महात्मा हैं वो बीजेपी प्रो हो गए हैं, प्रो बीजेपी हैं, एक आप तो हमारे हैं। तो मैं आ गया, जब आ गया तो फिर प्रियंका जी से मुलाकात हुई, okay। ये कब की बात है? प्रियंका जी को देखकर मुझे एकदम इंदिरा जी की छवि उनमें दिखाई दी। मैं आज भी उनके साथ हूँ और उनमें बहुत असीम संभावनाएं हैं, बहुत शक्ति है। कब की बात है जब लेकिन प्रियंका उस शक्ति से? लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग कांग्रेस पार्टी कर नहीं रही है, ठीक है। तो ये कब की बात है आचार्य, जब प्रियंका जी से आप उनके सलाहकार बने, उनसे मिलके उनके फिर 18 में, ओके, 19 के चुनाव से पहले, ओके। और आपको राजनीति में लाने का श्रेय भी आप किसी को देते हैं क्या? राजीव गांधी को, आप उन्हीं को देखकर आए थे? पक्का, राजनीति में पक्का, राजेश पायलट और राजीव गांधी, ओके। किसी और पार्टी से कभी आपका कोई जुड़ाव? कभी नेवर, हमेशा कांग्रेस में ही रहे? नेवर, कभी। क्या यही वजह है कि आपके खिलाफ बोलने से पहले भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी 10 बार सोचते हैं? अब मुझे नहीं पता, कोई सोचता है नहीं सोचता, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचता, मुझे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भविष्य की चिंता है। मैं कांग्रेस के भविष्य के लिए सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी की तपस्या का फल मिले इस पार्टी को, मैं चाहता हूँ प्रियंका गांधी की शख्सियत की का फल इस पार्टी को मिले। आपने अभी कहा कि बाबा पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ सकते, आए भी हैं बहुत सारे बाबा, हैं सांसद भी बने हैं और अभी एक बाबा तो मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या ये मान लें आपके हिसाब से भी सबसे ज़्यादा कामयाब राजनीति में कोई बाबा हैं तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं अभी तक? देखिए, कामयाब होना और नाकामयाब, लोकप्रिय मान लें, नहीं, देखिए कामयाबी और नाकामयाबी पद से नहीं होती है, हाँ। देश की जनता तय करती है। जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें योगी जी सफल मुख्यमंत्री के रूप में लिखे जाएंगे तो वो कामयाब है, ओके। यदि वो असफल मुख्यमंत्री लिखे जाएंगे तो फेल है। तो सवाल इस बात का है कि इतिहास जब लिखा जाएगा उसमें कौन किस तरह किस पन्ने पे दर्ज होगा। ठीक है, बहुत मजा आया आपसे इस इंटरव्यू में, आपने जितना खुलकर अपनी बातें कही, अपने मन की सारी बात की, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी, मेरी शुभकामनाएं आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोबारा देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, थैंक यू मानक, थैंक यू मानक।